ఇప్పుడు ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ లో వాళ్ళు क्वेश्चन नंबर फोर का एंड बेटा थोड़ा सा रह गया था जहां तक हुआ था एक नजर देख लें आगे चलते हैं। ये लोकेशन कंप्लीट कर दी तो ये वाली फिगर्स मुझे लिखवा दें उतने से बाकी बच्चे का भी एडवाइस था पर एक एक करके बता नहीं अब एक मिनट लगा के जरा फिगर्स रिवाइज करो मैं मीन वाइज आपकी लोकेशन जो की हुई वो लिखूंगा 9,25,000 5,25,000 एज इट इज इसका सम बन जाएगा 9,75,000 एंड 5,25,000 की बेस पे टोटल बन जाएगा 15,00,000 और एलोकेशन हो जाएगी 975 डिवाइड बाय 15,00,000 इनटू 12,00,000 780,000 एंड 4,20,000 ये यहाँ तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं करें रिवाइज किया करें यार छोटी छोटी चीजें रूल रिवाइज किया करें हाँ एक ये जो 4,780,000 आ गया इसका जरा कोई नाम बता के लिखना अब ये जो वर्ड्स बोल रहे हैं आपको क्लियर है बोल क्या रहे हैं ये चाहते हो वर्ड्स बता दें क्या लिखें क्वेश्चन साइलेंट है शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड पूरे वर्ड्स लिखने जरूरत है शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट रिलेटेड And obviously next one, next figure is for it, 20,000 is share of joint cost related to beta. हम कर क्या रहे थे कैंडी का बता दो ये एलोकेशन की जरूरत क्यों पड़ी हम प्रॉफिट निकाल रहे थे प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाह रहे थे और हमें फिर जरूरत पड़ी थी कि हमें इन प्रोडक्ट्स को बनाने की कॉस्ट पता चले तो जब हमने अपनी डायग्राम देखी जरा डाटा देखा तो पता ही चला कि अल्फा को बनाने में जॉइंट कॉस्ट भी आई है और फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है और बीटा को बनाने में सिर्फ जॉइंट कॉस्ट ही लगी है उसके बाद उसकी को फर्दर प्रोसेसिंग की इंफॉर्मेशन नहीं ठीक है अब मैंने ये जो वर्ड्स आखिरी बोले इनका मकसद ये है कि आप जरा बोर्ड पर देखें और ये चीज़ें कुछ अब सीक्वेंस को खुद से फाइनल करें मैंने अब क्या लिखना है मैंने अल्फा और बीटा का कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिखा तो ढूंढने जरा अल्फा की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पता नहीं बता रही ना कॉम नहीं है देखिए अभी आपने जो लिखा है शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट मैंने दोबारा एम्फसाइज इसीलिए किया है एक दफा अपने डायग्राम देखा क्या अल्फा को बनाने में बस 780,000 का खर्चा हुआ और ठीक है इनिशियली तो इतना हुआ लेकिन उसके बाद फिर उसको फर्दर प्रोसेस भी तो किया तो क्या हम सप्लेट ऑफ पॉइंट पे बेच रहे हैं नहीं बेच रहे मतलब अल्फा को नहीं बेच रहे हम अल्फा को बेचने से पहले फर्दर प्रोसेस भी कर रहे हैं तो क्या बेचने तक टोटल खर्चा जॉइंट कॉस्ट का शेयर भी है और प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है ये एलोकेशन करते हुए जो हमने देखा ये चीज अम्मी को नहीं पता ये मिक्स हो जाएगी ये होनी नहीं चाहिए ये टेबल बनाते हुए मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस क्यों की ये सिर्फ एलोकेशन करने के लिए हमने एक सेपरेट ऑफ पॉइंट की सेल वैल्यू फाइंड आउट की ये अमाउंट 12,00,000 रुपीस को एलोकेट करने के लिए प्रोपोर्शन बनाने के लिए वर्किंग हुई है इस वर्किंग ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि 780,000 और 420,000 फिगर मिल जाए तो 12,00,000 में से 780,000 अब अल्फा का है लेकिन सिर्फ ये जॉइंट कॉस्ट का शेयर है लेकिन क्या इसमें 4,50,000 फर्दर ऐड होगा तो उसकी टोटल कॉस्ट में बात क्लियर है मेरी लेकिन बीटा के एंगल से
फॉर 20,000 ही फाइनल। ये अल्फा की मेरी रिक्वेस्ट है, रफीक एक्सप्लेन कर लेंगे, एक्सप्लेन करके प्लस करके लिख, और इन वर्ड्स को जो हम लिख रहे हैं कुछ दिनों से हम बोल भी रहे हैं लेकिन फिर पंडित बोल रहे हैं। 4780 शेयर ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 4,50,000 इज इक्वल टू 12,30,000। लेकिन ये प्लस करने की कोई जरूरत कहाँ नहीं है बीटा में, बिकॉज इट इज सोल्ड एट बीटा पॉइंट, तो 4 लाख सॉरी 420,000 सारे इकट्ठे हो जाए, कोई कंफ्यूजन ये चलेंगे आगे। आगे चलने से पहले आप एक और चीज जरा सोचें कर, ये जो 12,30,000 ऑफ कॉस्ट आ गई है ये बताएंगे कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, इस खर्चे से कितने यूनिट्स बने हैं सर, क्लियर है? ये आप सोल्ड यूनिट्स बोल रहे हैं मुझे बताते हुए या प्रोड्यूस्ड यूनिट्स बोल रहे हैं, और ठीक है उसमें डिफरेंस नहीं है, फिलहाल डिफरेंस नहीं है स्टॉक्स ना होने की वजह से, बट वी शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात हो रही है, तो हम 15,000 को स्पेस में प्रोड्यूस समझ के ही बोल रहे हैं, और अपोजिट साइड में 420 के एंगल से हाउ मेनी यूनिट्स आर प्रोड्यूस 3,000 आर प्रोड्यूस। अब आगे चलें, होता क्या है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के बाद क्या सोचना होता है, वो नहीं है तो डैश लिख के यही अमाउंट जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है कॉस्ट ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस वक्त करनी कोई हेडिंग्स का लिखने की जरूरत नहीं, करनी हेडिंग्स पूरी लिखें, एक एक बात को सही तरह से अपने जहन में रखकर क्या ना होने की वजह से फिर क्या ही क्या बन गया, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स के स्टॉक ना होने से जो यूनिट्स बनाए हैं इसका मतलब वो बिकेंगे, तो यही खर्चा जो यूनिट्स को बनाने का रहा यही फाइनली सब सेल्स भी है। तब मैं ब्रैकेट्स का एंटी कॉस्ट ऑफ सेल के एंगल से लगा रहा हूँ, होपली मेरे साथ हैं बाप, तो सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करें, ये कर लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अल्फा 1,95,000 एंड 1,05,000 अब अपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, लास्ट स्टेप तभी रहता है, लास्ट लाइन जिसको हम अप्लाई करना सीख रहे थे, क्या फाइंड आउट करना था, मैंने प्रॉफिट पर केजी तक आना था, अभी क्या फाइंड आउट हुआ, अभी एक ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला, एक केजी का निकाला, सर ये निकाल लिए सर, प्रॉफिट पर केजी कैसे आएगा, प्रॉफिट पर केजी अब यहाँ डिवाइडेड बाय कौन से यूनिट होने चाहिए, कौन से ड्रिंकिंग बजन, कौन से थ्री वाले प्रोडक्शन वाले या सेल वाले, या प्रॉफिट यूनिट्स बेचने से होता है या बनाने से, हाँ इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि बनाने नहीं है, लेकिन अगर बना लिए हैं बेचे नहीं है अभी प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट के लिए आपको बेचने भी होंगे। तो अब जो मैं 15,000 और 3,000 लिखूंगा ये क्या लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो प्रॉफिट अब डेफिनेटली ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास डाटा नहीं है, सॉरी एक नजर भी देखा हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह अगर हूँ डेफिनेटली हमसे प्रॉफिट में कहा जा रहा है, तो ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना होने की वजह से फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट हमारा इस केस में प्रॉफिट है, तो अल्फा छोटी वर्किंग बना के लिखी 1,95,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड which are same as production because of no information of stocks. ये आंसर बता दूँ,
एंड 35 ये नोट करें तो कस्टमर फाइव पे आ जाइएगा। ये कस्टमर फाइव से लोन लिमिटेड मैंने घर से कहा तो था, हो सकता है आपने काफी कुछ कर दिया हो, लेकिन मेरे से पूछना पूरा नहीं, बच्चे साफ है। कोई नहीं, एक आध दिन मेरे पास मेरा रह गया, फिर बाकी आपको देख लीजिए। कॉलोन लिमिटेड कैंडी स्टार्ट कीजिएगा पढ़ना, सर इट्स इररिलेवेंट कि आपने घर से पढ़ लिया है, कितना हो गया है, 100% हो गया है, नहीं हो गया है, ये सारी बहस खत्म कर कंसंट्रेशन से क्वेश्चन पढ़ना शुरू। रिक्वायरमेंट सर इसकी दो है, नंबर वन कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट एंड पोर्शन देम टू द टू प्रोडक्ट्स एंड नंबर टू फिर एक आपसे एडवाइस मांगी जा रही है वेदर इट शुड प्रोड्यूस सीड्स और सेल विदाउट फर्दर प्रोसेस। तो ये डिसीजन फिर कैसे होते हैं ये भी फिर डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट रिक्वायरमेंट यही में रखे तरह क्वेश्चन पढ़ो, जॉइंट कॉस्ट एंड इट्स एलोकेशन। क्लोन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू जॉइंट प्रोडक्ट्स बाय द नेम ऑफ Pollen and Stigma in the ratio of 65 and 35. Hopefully, बात clear है 65 35. अगर 100 kgs बनेंगे तो इसका एक breakup दिया है 65 and 35, ठीक है, percentage में proportion दिया है। The company has two production departments A and B. Pollen can either be sold at split up point and can be or can be further processed at department B and sold as a new product C. इसको अंडरलाइन करो, हम चाहें तो पोलन को एज इट इज सेपरेट अ पॉइंट पे भी बेच सकते हैं और अगर चाहें तो उसे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं डिपार्टमेंट बी में, और फिर लगता है ये है कि फर्दर प्रोसेस करने के बाद उसका हम नाम बदल लेते हैं, लेकिन क्या सीड्स अगर बेचने भी हैं तो पोलन बनाने पड़ेंगे, इस डिपार्टमेंट में पोलन बनेगा सर, इस डिपार्टमेंट में फर्दर प्रोसेसिंग आगे चल। The stigma is sold without further processing. Following information relating to the three products is available from the SL records, CL's records. Sale price per kg, pollen stigma seeds की दी हुई है, total selling expenses भी आज हैं। Following further information relating to the two departments is available. Department A. मटीरियल एक्स, डिपार्टमेंट ए में मटीरियल वाई नहीं है, वो लगता है शायद फर्दर प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होता है। अच्छा फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, डिसाइड कर लें कि कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा जॉइंट कॉस्ट है, बी का खर्चा क्या कहलाएगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ पोलन इंटू सीड्स, पोलन इंटू सीड्स स्टिग्मा और पोलन शायद जॉइंट प्रोडक्ट है ऐसे ही जी सर। उसके बाद फिर आर्स दिए हुए हैं, लेबर के आर्ली रेट दिया और आगे आर्स ही दिए हुए, तो मल्टीप्लाई करेंगे रुपीस करेंगे, फिर वेरिएबल ओवरहेड्स का एक रेट दिया हुआ पर आर, फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स का दिया हुआ, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स हम वर्ड यूज करते हैं, ओवरहेड्स जरा ध्यान में लाए, ओवरहेड्स में वेरिएबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओवरहेड्स में वेरिएबल मटीरियल, ओवरहेड्स में लेबर, इसको दा का नाम नहीं है, मटेरियल लेबर के अलावा थर्ड कंपोनेंट इज ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में कोई वेरिएबल इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फ्यूल चार्जेस, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, कोई फिक्स्ड चार्जेस, रेंट इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरहेड्स। अदर देन कल वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फोर, कल वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर फोर, उसमें एक ओवरहेड्स के एंगल से रेट दिया होगा, वहां क्या वर्ड्स है, ओवरहेड्स आर
नहीं ओवरहेड्स आर 10 रुपीज पर आवर। हाँ सर कहीं सर क्या लिखा हुआ था, ओवरहेड्स आर एलोकेटेड द प्रोडक्ट्स एट द रेट ऑफ। अब वहां जस्ट वर्ड था ओवरहेड्स, ओवरहेड्स से मुराद, ओवरहेड्स से मुराद सर ओवरहेड, लेकिन उसमें वेरिएबल फिक्स अलग भी होते हैं, तो यहाँ उसने क्या किया ओवरहेड्स इकट्ठे बताने के बजाय वेरिएबल और फिक्स अलग बता दिया। देन मटेरियल इनपुट आउटपुट रेशियो, इसको जरा 1 मिनट जरा रुक के सोचना। मटेरियल इनपुट आउटपुट रेशियो 188 एक प्रोपोर्शन दिया हुआ, मीनिंग इसका क्या बनेगा कि अगर 100 kgs इनपुट करेंगे आप तो 88 kgs आउटपुट एक्सपेक्टेड है, इट मीन्स कितना लॉस एक्सपेक्टेड है। नहीं वो एक गलत वैसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं इंशाल्लाह वो बता देता हूँ। और डिपार्टमेंट बी में क्या एक्सपेक्टेड है कि अगर 100 kgs इनपुट होंगे और 96 kgs ही आउटपुट बनेगी, तो यहां से क्या महसूस हो रहा है कि लॉस इस प्रोसेस में दोनों बल्कि डिपार्टमेंट्स में है। अब लॉसेस की टाइप्स कितनी है, नॉर्मल भी है और अब नॉर्मल भी है, बताइए नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। मेरा ख्याल है सही वर्ड यही रहेगा कि हमें एग्जैक्टली नहीं वर्ड बताया गया, सिर्फ ये बताएगा ये होता है ये होता है। इसका बेस्ट वे ये है कि अगर एबनॉर्मल का आइडिया ना हो तो वी अज्यूम बाय डिफॉल्ट कि नीचे दो नोट पढ़ लीजिएगा, दो बातें काफी दिनों से हो रही हैं। एक बात तो पहले नंबर टू इंफॉर्मेशन ऑफ स्टॉक्स ना हो तो फिर स्टॉक्स को आपने इग्नोर करना है, वी अज्यूम के सब कुछ जो है वो बिक गया है। और सेकेंडली अगर लॉस की नेचर ना पता चले, वैसे तो मेरा ख्याल है कि शायद पता चल भी रही है, लेकिन अगर ना भी महसूस हो कि एग्जैक्टली ना वर्ड्स मिले वजह से, तो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम के कौन सा लॉस है। तो नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसे कॉस्ट एलोकेट नहीं होती, लेकिन अगर सी को रिकवरी वैल्यू हो तो वो परचेज कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट विच एवर इज द केस उसमें एब्जॉर्ब हो रही, उसमें से लेस हो रही। परचेज कॉस्ट कब, अगर परचेजेस में से लॉस है, और प्रोडक्शन कॉस्ट कब, अगर प्रोडक्शन में से लॉस, तो रिकवरी वैल्यू नेट ऑफ हो जाती है। कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कल हुई, एक नजर देखें आंसर देखा करें बार बार, ये चीजें बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए। कैसे लेस हुई है, हमने 13,45,000 कैलकुलेट किया, इसका आंसर देखो 13,40,000 वाज मटेरियल ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई थी हमारी, लेकिन फिर रिकवरी वैल्यू का हमने क्या किया, बस लेस करके फिर क्या ज़ूम कर दिया कि अब जो बचा ये फिर बाकी प्रोडक्ट्स का, वो एक अलग इशू का, वहाँ एक बाय प्रोडक्ट भी थी, तो फिर बाय प्रोडक्ट भी लेस करके हमने कहा कि अब जो खर्चा आया है ये आया है रिलेटेड द प्रोडक्ट अल्फा एंड, ठीक है, मतलब हमने किस किस को इग्नोर किया हुआ, यहाँ नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी को भी इग्नोर किया हुआ है, बाय प्रोडक्ट को भी इग्नोर किया हुआ है, हाँ बस उसकी रिकवरी वैल्यू को एक दफा नेट ऑफ करके फाइनल फिगर को फिर अल्फा और बीटा में एलोकेट किया। ठीक है सर, वापिस आ रहे हैं सर। फिर टेबल के नीचे में कहता है मटेरियल इज एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस। अब इस तरह की चीजों की क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा आगे बढ़ते जाए, जब तक मैं नहीं कोई बात नहीं करूंगा इनकी कोई एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस नहीं। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी एट सेपरेट ऑफ, एनआरवी फाइनल कर लें जरा ब्रैकेट में वर्ड्स, एनआरवी मेथड अगर कहेगा तो सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ तो कॉन्स्टेंट है, लेकिन अगर सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे तो उसको माइनस करेंगे। आ जाए रजिस्टर करो, सबसे पहले ये जो हमने पढ़ा है इसको एक पेज छोड़ के, जरा एक पेज पूरा छोड़ दे, दूसरा भी सर से बी रिक्वायरमेंट वर्किंग्स में है। ये सर ये क्वेश्चन को जरा अरेंज करवा दें अपने सामने एक डायग्राम बना के। जी जॉइंट प्रोसेस का नाम बताएं, जॉइंट प्रोसेस का नाम बोलना, ये वाला रहने देंगे सही वाला, तो जॉइंट प्रोसेस कौन सा सर, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए, एक मिनट बना लें, बनवा दिया कर आप आराम से बना लें। डिपार्टमेंट ए में
कितनी क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनपुट हुई है, फुल कंसंट्रेट, जस्ट फोकस ऑन डिपार्टमेंट ए, कौन सा मटेरियल इसमें इनपुट होता है। पहले काइंडली जस्ट क्वांटिटी, मटेरियल एक्स के एंगल से 75,000 केजीज आर इनपुट इनटू द प्रोसेस। तो मैं तो इस तरह से जरा एरोज बनाता हूँ प्रोसेस से पहले, बाद में ये फॉलो कर लेते हैं आप। तो ये क्या है, ट्राई टू विजुलाइज, ये इस प्रोसेस में इनपुट हो। जी सर, अब क्या इस प्रोसेस में कुछ लॉस भी था? नीचे देखें, टेबल बना हुआ, कैलकुलेटर उठाएं, कुछ लॉस भी एक्सपेक्टेड था? कितने परसेंट लॉस एक्सपेक्टेड था सर? 188, डेफिनेटली 12%। क्या करें, 75,000 इनटू, सॉरी जिन हजरात ने किया हुआ, जरा मैं जानबूझ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब मेरा मेरी ख्वाहिश बस ये है कि मैक्सिमम एक 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 इसके बाद सवाल और मैं करूँ, ख्वाहिश मेरी यही है, बाकी देखें क्या बनता है। तो आफ्टर दिस क्वेश्चन एक और क्वेश्चन, मेरा ख्याल आप मैक्सिमम क्वेश्चन की पोजिशन में आ जाएंगे। तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 12%, बताइए आंसर। तो व्हाट इज 9,000 लॉस? नेचर ऑफ लॉस अगर हमें स्पेसिफिकली नहीं पता तो नॉर्मल लॉस। तो 75,000 में से आप 9,000 माइनस करें। ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैं कोशिश करूंगा कि वैसे ही करूं, ताकि कोई नई बात बीच में ना करूं। एक तरीका जो हो गया है, क्या मैं कल वाले क्वेश्चन की तरह कर रहा हूँ? एक नजर देखें, क्वेश्चन नंबर 4 निकल, उसके डायग्राम देखें। तो आप लोगों ने भी प्लीज नए नए तरीके याद नहीं करने, तो एक तरीका जिससे क्वेश्चन हो रहा है उसी को फॉलो करना, डेफिनेटली अनलेस द क्वेश्चन इज चेंज। अगर एक ही चीज रिपीट हो रही है तो नए तरीकों से हमें गर्ज नहीं होनी चाहिए। सर वैसे भी हो जाता है, तो मेरा फिर सवाल यही हुआ करेगा, तो ऐसे भी तो हो जाता है। तो इस बहस को काइंडली छोड़ दीजिएगा। अगर अनलेस कोई नई चीज आ जाए, डोंट डू नॉट चेंज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, ओके, सीक्वेंस ऑफ द सवाल, आंसर को बदलने की जरूरत नहीं है, तरीका एक ही रखें। क्या था कल, एक नजर देखें कल वाली डायग्राम। 25,000 इनपुट, 25 के जगह यहाँ क्या, यहाँ क्या, यहाँ क्या, 75, वहां क्या था, वहां 5% था, यहाँ हमें 12% महसूस हुआ। तो ये क्वांटिटी होगी सेपरेट, कैलकुलेटर उठा लें, 75 में से 9 माइनस कर दें। अब व्हाट इज 66, व्हाट इज 66, ये थी आउटपुट। लेकिन अब फर्स्ट लाइन में रहे क्वेश्चन की, अब 66,000 किसकी क्वांटिटी बननी है, मतलब ये टोटल क्वांटिटी जो बननी है, लेकिन इसे किस प्रोपोर्शन में, किस में कन्वर्ट होना है? 65% कोलन स्टेटमेंट में इसे कन्वर्ट होना, ठीक हो गया। तो क्या है, कैसे, किसको किस हो, तो पोलन एंड स्टिग्मा 66,000 इंटू 65% एंड 66,000 इंटू 35%, तो इज इक्वल टू 42,900 केजीज एंड स्टिग्मा इज 23,100 केजीज। एनी कंफ्यूजन? एक मिनट, मैंने थोड़ा सा और आगे जाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में आते हैं, क्या पोलन और स्टिग्मा को सप्लेट ऑफ पॉइंट पे बेचा जा सकता है? इस क्वेश्चन में शायद एक थोड़ी सी नई चीज है जो शायद पहले इस तरह से नहीं आई। स्टिग्मा तो शायद फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा, तो स्टिग्मा ने तो एसिडिटी से बिकना है, लेकिन पोलन के लिए दो चॉइसेस हैं। क्या क्या चॉइसेस हैं? हम सप्लेट ऑफ पॉइंट भी बेच सकते हैं और फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसके लिए फिर बी पॉइंट रिक्वायरमेंट भी हमसे है कि हमें एडवाइस दें। लेकिन अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे पोलन को तो किस डिपार्टमेंट में करेंगे? एक मिनट, इसकी जरा एक छोटी सी डिस्कशन बस सुन लें, इज इट कंपल्सरी कि हम ये करेंगे? लेकिन कर सकते हैं, अगर करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये पोलन जो है बी में जाके सीड्स में कन्वर्ट होंगे, फर्स्ट पैराग्राफ से कंडीशन। अगर ये फर्दर प्रोसेसिंग हमने की तो अब डिपार्टमेंट टू में, डिपार्टमेंट की, सॉरी डिपार्टमेंट बी में क्या कोई फर्दर रॉ मटेरियल भी है?
अब ये जरा बात मेरी ध्यान से सुनिए और जरा सोच लीजिएगा, कोई इलॉजिकल बात तो नहीं मैं कर रहा। ये 12,000 जहन में रखते, 12,000 kg जहन में रखते, जरा बोर्ड पे देखें। अब इस क्वेश्चन में हमें उस तरह से कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं, जिस तरह अगर थोड़ा सा अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें बुक में, क्वेश्चन नंबर 3 बाइनरी प्रोडक्ट सी से रिलेटेड जरा डेटा ढूंढ। वहां उसने हमें बताया था कि 1,34,000 kg बने हैं, लेकिन नीचे पॉइंट नंबर 3 आई थिंक उसमें से प्रोसेस सारे नहीं हुए, तो यकीनन उसमें बताया हुआ था ये इतने बने हैं, इतने प्रोसेस हुए हैं, इसका मतलब फिर कुछ बच गए हैं एंड सो ऑन। लेकिन अब यहाँ सिचुएशन का इस क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन आप आ रहे हैं, 75,000 इनपुट से अल्टीमेटली पोलन बनेंगे 42,900 kg, तो क्या ये फिर सारे डिपार्टमेंट बी में जाएंगे या इसमें से कुछ स्टॉक बचा हुआ? स्टॉक की हम कब अजम्पशन लेंगे कि स्टॉक बचा हुआ? जब हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नजर आए। अदरवाइज व्हाट वी अज्यूम वंस अगेन नाउ कि 42,900 kg ने फर्दर प्रोसेस हो, लेकिन अब जरा डिपार्टमेंट बी देखें, क्या उसमें फिर कुछ केजीज ने और ऐड हो जाना? तो कैलकुलेटर उठाएगा, तो क्या ये 42,900 जो केजीज है पोलन वाले, ये भी इनपुट है? किस डिपार्टमेंट में इनपुट है ये? किस डिपार्टमेंट की आउटपुट फाइनली है, किस डिपार्टमेंट में इनपुट बन रही है? डिपार्टमेंट ए से जो आउटपुट बनी है ये बी में फिर इनपुट बन जाए, लेकिन वहां जाके इन्होंने मिक्स होना है शायद 12,000 kg ऑफ वाई में। तो व्हाट विल बी द टोटल इनपुट? तो यहाँ पे जाके बी में एक वाई मटीरियल ने भी 12,000 kg एड होना था, और फिर शायद यहां से कोई फाइनल फिनिश गुड्स बनने, तो कोई विजुलाइज कर सकते हैं कितने केजीज जा रहे थे 42,900 और उसमें कितने फर्दर ऐड होंगे? तो कैलकुलेटर पकड़े, 42,900 लिखें प्लस 12,000 करें इज इक्वल टू दबाएं, और इसका अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नाम बताएं, टोटल इनपुट या टोटल इनपुट हो रही 52,704 समथिंग, नहीं सॉरी कितना बना, नहीं वो इनका सम, इनका सम कितना बन गया 54,000, दोनों को मिला के 54,900 kg is input in the department B. Any confusion? अब आए डिपार्टमेंट बी की इनपुट आउटपुट रेशो दी हुई, क्या यहां भी कोई लॉस है? सर यहां भी लॉस है। अब किसका 4%? 54,900 इंटू 4% 2196, तो हाउ मच क्वांटिटी ऑफ आउटपुट विल बी प्रोड्यूस देन? अब यहाँ क्या एक ही प्रोडक्ट है या यहाँ भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स है? फाइनली डी में अब एक ही प्रोडक्ट है बाय द नेम ऑफ सीड्स, तो ये फाइनल फिगर फिर कैसे आ सकती है? ऑफ कोर्स ये इस तरह भी आ सकता है 54,900 लिखें, ये हर एंगल से पंगे लिया करें कैलकुलेटर, 54,900 लिखें, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? पहले 4% या 4% लेस करके बैलेंसिंग फिगर निकालो, तो व्हाट शुड बी द क्वांटिटी ऑफ सेस पोलन्स इनटू सीड्स इन डिपार्टमेंट बी? 52,704 kg। तो मैंने जरा केजीज के एंगल से ये डेटा आपके सामने लिखा ताकि क्वांटिटी सामने आ जाए, बाकी डेफिनेटली भी अमाउंट्स भी मैं लिखता हूँ, तो यहाँ तक अब आप एक्सप्लेन करना था, तो चीज ना समझ आए लिखते हुए प्लीज दोबारा पूछिए, एक कन्फ्यूजन।
देखते हो सर जी, सर हिम्मत दिखाए सर, अब अपने एरोस के साइज देखने शुरू कर दिए। जी अगर कॉलन फर्दर प्रोसेस होंगे सीड्स में तो डेफिनेटली बेटा ये डिपार्टमेंट यूसी का एंगल सर, डिपार्टमेंट बी इज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ पोलन्स इनटू सीड्स। ये नोट कर लेंगे तो कहीं इधर बता दीजिएगा, ठीक है अपना। बेटा फर्स्ट थ्री लाइंस दोबारा पढ़ लेते हैं। दो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं एल्फ पोलन एंड स्टिग्मा और कंपनी के दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट बी में पोलन को फर्दर प्रोसेस किया जाता है। बाकी बेटा आप बताएं कहानी किस डिपार्टमेंट से फिर पोलन और स्टिग्मा इनिशियली बनते हैं। ठीक है जी, क्लियर। डिपार्टमेंट बी में फर्दर प्रोसेसिंग है और इनिशियली एक डिपार्टमेंट है जी। अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से हम टॉपिक चलना शुरू करें, कैलकुलेट द जॉइंट कॉस्ट एंड देन इट्स अपोर्शनमेंट। जी सर वर्किंग करवाइए प्लीज। अब आपको स्पेस में अपना दें, जब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सॉल्व हो रही है। कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट ऐसे इन चीजों के बाद अब हमारा ये काम रह गया कि आप अगर लॉसेस मिक्स होकर आ जाए, नॉर्मल भी हो रहे हैं अबनॉर्मल भी हो रहे हैं, तो फिर उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, क्या उसकी वर्किंग की जाती है। तो ऐसे ऐसा बस यही काम अब फाइनल करना है। ये किस डिपार्टमेंट के खर्चे को इकट्ठा कर लूँ तो मेरे पास जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। करवाई नहीं जल्दी से मटीरियल एक्स डेटा देखो 75,000 केजीस इंटू मल्टीप्लाइड बाय 60 45 लाख 4.5 मिलियन। क्वेश्चन से देख लीजिएगा प्लीज। लेबर आवर्स 12,000 और एक घंटे का रेट दिया हुआ लेबर का 150 रुपीज़, 1.8 मिलियन।
डेफिनेटली ऐसे ऐसे थाउजेंड्स की तरफ भी आएंगे, फिलहाल मेरा ख्याल ऐसे ही चल रहा है। वेरिएबल ओवरहेड्स, जी वेरिएबल ओवरहेड्स वाला, एक मिनट मेरे साथ पढ़ने का। वेरिएबल ओवरहेड का रेट कैसे दिया हुआ, 125 किसके हिसाब से दिया हुआ, और 100 भी पर लेबर आर फिक्स ओवरहेड्स वाला भी, तो इस 125 और 100 का भी क्या करूं, लेबर आर से मल्टीप्लाई करें, मीसो से 12,000 को जब 150 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये लेबर का खर्चा आ गया, और फिर जब हम इन्हीं आर से ओवरहेड्स का रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरहेड्स और वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड्स की फिगर आ गई। ठीक है, तो उसने किसके साथ लिंक किया हुआ काइंडली, लेबर आर्स पर लेबर आर, तो हाउ मच लेबर आर्स, 12,000 इंटू 125 भी हो जाएगा और 12,000 इंटू 100 भी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज। 1.5 मिलियन, एंड 12 इंटू 100, 1.2 मिलियन। तो टोटल जॉइंट कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट वन डिपार्टमेंट ए सॉरी इस केस में 9 मिलियन। तो 125 पे कर लेते हैं सर, क्या सब कुछ ठीक होना चाहिए? सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, सॉरी है। सबने तो 120 लिख लिया था जी सर। एलोकेशन स्टार्ट करो, किसकी एलोकेशन किस पे, जॉइंट कॉस्ट की एलोकेशन किस पे की जाती है, जॉइंट प्रोडक्ट्स पे। एलोकेशन टेबल बनवाए सर, एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू जॉइंट प्रोडक्ट्स। कर लेते हैं कॉस्ट लेस करेंगे, हेडिंग देखें करते हैं, इधर निकल गया सर, वापस लाता हूँ इंशाल्लाह। ये रेडी है सर, हेडिंग होगी। भाई ने बात सही की है सर, यस सर भाई ने बिल्कुल बात सही की है, लेकिन थोड़ा एक वर्ड बस उनका जरा गैर मुनासिब हो गया। ये कल वाली वर्किंग निकालें, क्वेश्चन नंबर 4 वाली। ये मैं जॉइंट कॉस्ट की कैलकुलेशन कर रहा था, तो ये बात यहाँ तक बिल्कुल सही होगी कि अगर हम इन्हें रिलेट करके ये कहते हैं 13,45,000 होने वाला, 13,45,000 होने, रजिस्टर प्लीज ढूंढ लें, सेट घूम नहीं गया ढूंढ लें, तो ये सभी के अगर बोर्ड पे हम देखें तो 9 मिलियन वही कुछ है, वही है सॉर्ट ऑफ, वही चीज है, सिर्फ एक्स्ट्रा चीज के हुई ओवरहेड्स का एक ब्रेकअप हुआ हुआ। ठीक है सर, तो यहाँ तक तो बात आपकी ठीक है। अब क्या हमारे इस जॉइंट प्रोसेस में कोई लॉस है? बिल्कुल है। कितनी क्वांटिटी है? नहीं, कितनी क्वांटिटी है? 9 क्वांटिटी है लॉस, जॉइंट प्रोसेस की बात हो रही है, तो ये है नॉर्मल लॉस। क्या इसकी कॉस्ट इस 9 मिलियन में शामिल होगी? यकीनन होगी, लॉस पे खर्चा हुआ होगा, लेकिन क्या ये नॉर्मल लॉस अगर है तो इस पे कॉस्ट एलोकेट होनी है? बिल्कुल नहीं होनी, इसकी कॉस्ट बाकी यूनिट्स में अब्सॉर्ब हो जाएंगे। हाँ ये जरूर हो सकता था अगर इसकी कोई रिकवरी वाली सवाल में दी होती, तो जिस तरह वहां 40,000 लेस हुआ है, वैसे ही 9 मिलियन में से मैं क्या माइनस करता, कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, इसकी कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, लेकिन इसकी रिकवरी वैल्यू अगर होती तो इसमें से माइनस करके फिर एलोकेशन, तो क्या होना नहीं, कॉस्ट एलोकेट नहीं होनी, और क्या है नहीं, रिकवरी वैल्यू। देयरफॉर 9,000 केजीज जहन से निकल गए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस 9 मिलियन रुपीज को पोलन और स्टिग्मा में एलोकेट कर देंगे बेस्ड ऑन एनआरवी मेथड, हमें क्वेश्चन में कहा गया।
है, बाएं टेबल पर प्रोडक्ट्स के नाम लिखते कॉलन सिग्मा। जी पहला कॉलम बनवाए, यूनिट्स प्रोड्यूस बताए, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 42,900 एंड 23,100। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है जो जब आएगा तो मैं आपके जेहन में लाता हूँ, रेडी रहिए साथ। जी सर, जी कॉलन एंड स्टिग्मा ओके सर, यूनिट्स प्रोड्यूस ओके ओके सर। जी मेथड ऑफ एलोकेशन है क्या हमारा एनआरबी, कितने मेथड है ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के, अब कितने हो गए हैं? एक कौन सा क्वांटिटी मेथड, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ मेथड एंड एनआरबी मेथड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ एंड एनआरबी? सेलिंग एक्सपेंसेस अगर है तो एनआरबी मेथड में लेस करके आप एलोकेशन, तो हमारे पास आएगी क्वांटिटी प्रोडक्शन, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या करो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट ढूंढना 90 एंड 300। ओके अब क्या आ जाएगा, सॉरी मैं ऊपर नाम नहीं लिख रहा, लिखने चाहिए यूनिट्स पर सेल प्राइस पर यूनिट एंड सेल। जी आंसर, सॉरी एक सेकंड, एक मिनट, आंसर्स निकालना। 3861000, 3861000 एंड 6930000। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और अगर आपके क्वेश्चंस नहीं हैं तो दो वजूहत हो सकती हैं, एक तो आप बाकी सोच रहे हैं और एक खतरनाक सिचुएशन भी हो सकती है जिसका मुझे ज्यादा खतरा है कि हमें क्या। प्लीज फुल कंसिडर कीजिएगा, मैं एक दो अच्छे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अपनी डायग्राम एक दफा देखना, बताए मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त, और ये करवाने का क्वेश्चन डेफिनेटली मैंने दिया था, मैं क्यों सॉल्व करवा रहा हूँ, ये वो कुछ लम्हे थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये पोलन और स्टिग्मा के मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस उठाए, उनकी सेल प्राइसेस उठा ली, क्या ये सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ ही है? नहीं, क्या ये सेल वैल्यूज एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ही है? मैं सीड से रिवर्स वर्किंग क्यों नहीं कर रहा आज? क्वेश्चन नंबर फोर का टेबल निकाल लें, जो क्वेश्चन नंबर फोर का टेबल बना, अल्फा के एंगल से मैंने एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का कॉलम भी ऐड किया एलोकेशन टेबल में, एलोकेशन टेबल में। क्या वजह? क्वेश्चन देखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन देखना चाहिए, यहाँ एक नजर क्वेश्चन देखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर फोर देखें, सवाल देखें। हाँ जी, अल्फा के बारे में बेटा हमें सिर्फ ये बताया हुआ था कि अल्फा इज सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्या अल्फा कैन बी सोल्ड एट सेपरेट ऑफ पॉइंट? ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, उसको बेचा ही कब जा सकता था? वो जो सेल प्राइस हमें दी हुई है अल्फा की, वहां ढूंढने जरा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट क्या थी? और नहीं, 30 नहीं थे यार, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट थी यार, को दौड़ का नाम लें यार, जो नजर आए वही सेल प्राइस नहीं होती मिस्टर शाह, तू तो ऐसे ना कर यार, क्या हो गया मिस्टर शाह, व्हाट्स गोइंग ऑन यार? व्हाट वाज द सेलिंग प्राइस ऑफ द अल्फा पर केजी? ये किस वक्त की होगी? फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच रहे हैं, तो ये फाइनल सेल प्राइस थी, लेकिन हमें सेपरेट ऑफ पॉइंट पे आना था, तो क्या करना पड़ा हमें, क्या करना पड़ा हमें, हमें रिवर्स वर्किंग करनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर फाइव देखें, अब पोलन को एज इट इज हम बेच सकते हैं, सेल वैल्यू एट सेपरेट ऑफ पॉइंट इज अवेलेबल, वो हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू वाली वर्किंग की जरूरत कब है? जब सेपरेट ऑफ पॉइंट पे आप सेल नहीं कर रहे और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद ही सेल कर रहे हैं, तो तभी वो रिवर्स वर्किंग करेंगे, वरना अब इस केस में मुझे सीड से कोई रिवर्स वर्किंग करने की जरूरत नहीं है।
ये सीड है जेन में, डायग्राम देख रहा, फर्स्ट करें पोलन एज इट इज ना बिखरा होता तो मैं कहां से शुरू करके कहां वापस आता? मैं सीड से शुरू करता और डिपार्टमेंट बी के फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के खर्चे लिख के रिवर्स वर्किंग करके पोलन्स पे वापस आता। मीन्स टू से फाइनली बट आई एम ट्राइंग टू से अगर अब हम टेबल देखें, जब अब अगर हम अपना टेबल देखें तो हम जो सेल वैल्यूज वाला कॉलम बना चुके हैं, दिस इज सेल वैल्यू एट सप्लिट ऑफ, सो देर इज नो नीड ऑफ एनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉलम हेयर। हमें किसी उस वर्किंग की अब जरूरत नहीं है बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर सेलेबल एट सेपरेट पॉइंट और उनको हमने उठा लिया, उसकी बेस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। ओके प्लीज। हाँ, लेकिन नई चीज अब आज क्या है, मेथड है एनआरवी और सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल है। कल वाले क्वेश्चन में मेथड कौन सा था? एनआरवी, लेकिन सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल नहीं थे, इसलिए सेल वैल्यू एट सेपरेट पॉइंट वाली फिगर्स ही एनआरवी भी थी। लेकिन अब हमें आज नई चीज क्या करनी है, सेलिंग एक्सपेंसेस ढूंढने, किस किस के ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? बड़े काफी सारी बातें हुई हैं बीच में। ये सेलिंग एक्सपेंसेस का ही ढूंढ रहे, 1,35,000, 3,06,000 और यहां से अब हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस NRV के साथ अगर आप लिखना चाहें तो ऑब्वियसली अब NRV एट सेपरेट पॉइंट है और इस NRV की बेस पे फिर आप कितने रुपए एलोकेट कर देंगे, बस मुझे बता दें, बाकी फिर आप करते रहिए। NRV फाइंड आउट करने के बाद जब आप एलोकेशन की तरफ जाएंगे तो कितने मिलियन रुपीज को एलोकेट कर देंगे, तो 9 मिलियन एज इट इज अब एलोकेट हो जाएगा बिटवीन पोलन एंड सिग्मा। सेल वैल्यू लेस सेलिंग एक्सपेंसेस 6,624। सही लिखवाया यार इसने, क्या हो गया हमें लड़ा है। और दुनिया जज्बाती हो चुकी है, उन्हें एलोकेटेड फिगर्स नजर आ रही हैं। कैलकुलेटर बैग में है, एलोकेशन हो चुकी है। बैग में हो, कैलकुलेशन किया करें सर। फिगर्स मैंने लिखी नहीं है, चेक कर सकते हैं। ये इंजन हजरात के एलोकेशन करते हुए कोई क्वेश्चंस थे, वो एड्रेस हो चुके हैं अगर कोई थे तो। ये अटेम्प्ट किया हुआ सर, ये बस ठीक है, इतने के जवाब होने चाहिए। बोलते सच ही और खामोशी ही अक्सर सच होती है सर जी। कोशिश करना जरूरी है, बात ये नहीं है पूरा क्यों नहीं हुआ, शायद सिर्फ कंसर्न ये होगा अगर मुझे होगा तो, कि आपने ख्वाहिश भी नहीं की, पढ़ा भी नहीं, ये ज्यादा है। सच बोला आपने सर जी, एलोकेशन होगी सर। लोग कहते क्वेश्चन बताएं आप, क्या रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट इज कंप्लीटेड, रिक्वायरमेंट इज कंप्लीटेड सर जी। सर रिक्वायरमेंट भी सर, एडवाइस वेदर पोलन्स वेदर कंपनी शुड सेल, वेदर कंपनी should sell
Aussies. Means pollen without further processing और सीज विद फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है? मेरे वर्ड्स मैंने कुछ और लगा दूं, शुड सेल शायद, क्या डेफिनेटली बनाएंगे भी, क्या वैसे रिक्वायरमेंट क्या है? प्रोड्यूस है क्या? अच्छा प्रोड्यूस है, जी। अब ये अपने डिसीजन लेना है कि पोलन को एज इट इज बेचे, प्रोड्यूस सीड्स और सेल पोलन विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। ऐसे ही बेसिकली क्या डिसीजन लेना है, कोई आप बता बताएंगे? इस तरह के अपनी फैक्ट्री समझेगा, ये बिजनेस आपका, फैसला क्या और सर जी, अपना समझेगा सही, 5 मिनट हो जाना, अपना समझेंगे तो सर हो जाएगा, क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं? नहीं, हम डिसीजन क्या लेना चाह रहे हैं, हम डिसीजन लेना क्या चाह रहे हैं? हम पोलन एज इट इज बेचें, पोलन बना के बेचें, या सीड्स पोलन को सीड्स में कन्वर्ट करके बेचें, ये फैसला बताएं क्या करें, क्या देखे करें, क्या हमें खर्चों की बेस पर डिसीजन लेना चाहिए या प्रॉफिट की बेस पर डिसीजन लेना चाहिए? लेकिन देखिए आप, अगर आप पोलन सीड्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्वेश्चन देखें, क्या कोई एक्स्ट्रा खर्चे हैं, क्या डिपार्टमेंट बी के खर्चे होंगे फिर? लेकिन अगर आप पोलन को एज इट इज भेज देंगे तो क्या डिपार्टमेंट बी में खर्चे होंगे फिर? ऐसी है नहीं, तो सवाल शायद ये कि हम डिपार्टमेंट बी के एक्स्ट्रा खर्चे करें या ना करें, उसका कैसे पता चलेगा करें या ना करें? अगर करने से कोई एक्स्ट्रा बचेगा तो वो खर्चे कर लेने चाहिए, और अगर खर्चे करने से एक्स्ट्रा नहीं बच रहा तो फिर हमें वो खर्चे नहीं करने चाहिए। एक चीज बहरहाल देख लें, क्या सेल प्राइस ऑफ पोलन और सीड्स में फर्क है? अरे फर्क है सर, पोलन का 1 केजी कितने का बिक रहा है और सीड, लेकिन अब इसका ये मतलब ही नहीं कि बस 35 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इनके लिए खर्चे भी हैं, इस डिपार्टमेंट के खर्चे भी करने पड़ेंगे। एक चीज और जरा सही तरह डिसाइड कर लें, फिर हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप पोलन बेचेंगे तो सिर्फ पोलन के खर्चे किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही आएंगे? ए से। लेकिन अगर सीड्स बना के बेचेंगे तो फिर तो डिपार्टमेंट ए के खर्चे नहीं आएंगे सर जी, सीड्स ने डिपार्टमेंट बी में बनना है। तो अगर आप सीड्स बना के बेचना चाहेंगे तो पोलन बनाने के खर्चे एज इट इज रहेंगे, लेकिन प्लस क्या होगा, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ पोलन इन टू सीड्स इंकर्ड इन डिपार्टमेंट बी प्लस करके टोटल खर्चा आएगा, ठीक है सर? हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ा। तो प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे बेटा शायद ये डिसीजन होना, प्रॉफिटेबिलिटी की बेस पे। तो वंस अगेन मेरा ख्याल एक इनकम स्टेटमेंट जहन मिला, हम चेक कर लेते हैं पोलन बनाने से प्रॉफिट ज्यादा है या सीड्स बना के बेचने से प्रॉफिट ज्यादा है। तो प्रॉफिट का कैसे पता चल जाएगा, विजुलाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। पोलन्स एंड सीड्स करने के लगा, प्रॉफिट निकालने लगा, देयरफॉर क्या बनाने लगा, एक इनकम स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ बनाने लगा। चंद चीजों का मुझे शदीद खतरा है आपसे, तो साथ साथ रहिएगा। जी डियर, स्टार्टिंग पॉइंट से फुला दे फुल मायूसी फुला दे, बोला ही नहीं जा रहा, ना मुमकिन है बोलना, सेल्स पोलन बताएं कितने बेच सकेंगे, पोलन की क्वांटिटी कितनी बिक सकेगी? 42,900 मल्टीप्लाइड बाय, बताएं क्या पोलन्स की सारी क्वांटिटी हम बेच लेंगे इस रेट पे? 90 इज इक्वल टू
नहीं यार, 3861, ये तो वर्किंग थोड़ी देर पहले भी की है। अच्छा वैसे कॉलम वाइज मेरा ख्याल है कि शायद हम कंफ्यूज ना कर दें, मैंने सासा बना ली, सिर्फ पोलन बनाया, बाद में सीट ज्यादा बनाते हैं, जस्ट फॉर सम पोलन, दोनों इकट्ठा सोचने की बजाय अलग अलग सोचते हैं जी सर। सेल्स ठीक है, अब अगर हम पोलन बना के बेच रहे हैं तो जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम अप टू द पोलन जी, आगे क्या करो कॉस्ट ऑफ सेल ना करे यार, रुपए ना करे यार, बेचने बनाने का खर्चा भी होगा और बेचने का भी होगा, इनकम स्टेटमेंट विजुलाइज करें, कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है, क्या बनाने का कोई खर्चा नहीं और क्या बेचने का भी खर्चा है, ठीक है, लेकिन बेचने के खर्चे कब आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, तो कोई फॉर्मेट्स बदलने की जरूरत नहीं, एक जो चीजें पता है उसी के तरतीब में चलते जाए, कोई नई चीज अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टॉक्स हैं या नहीं है ये बस छोड़ दें, पर ये बहस छोड़ दें, और ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स, या फिनिश गुड्स का वैसे नाम क्या है, लिख के डैश लगाए, ये अब क्या करूं, किसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ढूंढे, ढूंढे 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 ढूंढे, सर्च सर्च सर्च, ढूंढे ढूंढे ढूंढे, घूम गए घूम गए, 3240000 में प्लस भी तो होना है यार, डिपार्टमेंट टू का खर्चा, डिपार्टमेंट बी का खर्चा है, ये नहीं होना है, तो 3240000 है वैसे क्या, शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट ही फाइनल होगी अगर आप ऑनलाइन को एज इट इज बेच देंगे, तो 3240000 और यही खर्चा स्टॉक्स ना होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल्स बन गया। ओपनिंग स्टॉक जीरो प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक जीरो, ओके, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को फिर मैं ब्रैकेट क्यों लगाना शुरू कर देता हूँ, इससे सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट 6,21,000, ये अपना डेटा देखें, बस अब सेलिंग एक्सपेंस अवेलेबल, सेलिंग एक्सपेंसेस अवेलेबल है, ये जुल्म का ये खतरा नंबर वन आ गया, छोड़ दे छोड़ दे सारी पेन छोड़ दे, खतरात में से एक आ गए, सबने सेलिंग एक्सपेंसेस देखी और साथ ही देखनी है सर कितने हैं, आपके ख्याल में इनकम स्टेटमेंट में आने नहीं भाई, नहीं बात की है एलोकेशन टेबल देखें, ना करें ना करें, एलोकेशन टेबल देखें भाई ने कहा है, एनआरबी वाला कॉलम देखें कि हम सेलिंग एक्सपेंसेस को ऑलरेडी लेस कर चुके हैं, कर चुके हैं, नहीं ये बात गलत नहीं प्लीज, क्या एनआरवी की फिगर कैलकुलेट करते हुए हम सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर चुके हैं, ओके तो ये डबल लेस हो जाएंगे, अगर हम इनकम स्टेटमेंट में सेलिंग एक्सपेंसेस अब लेस करेंगे तो ये तो डबल लेस हो जाएंगे, ना करें सर, गौर से सुने मेरे वर्ड्स, वहां माइनस करके क्या निकाला और उस एनआरवी को निकालने का सिर्फ मकसद क्या था, एलोकेशन हो जाए, अब आप अपनी इनकम स्टेटमेंट खुद से जरा एक मिनट देखें, मैं ये चाहता हूं ये टेबल सामने रखें, आपने स्टार्ट कहां से लिए, सेल से, एनआरवी से या सेल से, सेल से, लेस क्या किए बनाने का खर्चा वो 3-4,000, तो क्या इस इनकम स्टेटमेंट में हमने सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर लिए हैं, टेबल में किए थे एलोकेशन के लिए, तो अभी तक हमारी इनकम स्टेटमेंट में एक सेल की अमाउंट है,
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेस हो गई है, लेकिन क्या सेलिंग एक्सपेंसेस लेस करें? डबल नहीं हो रहे, वो तो एलोकेशन करते हुए एक वर्किंग की थी जिसकी बेस पे एलोकेशन कर ली है अमाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की। तो कुछ क्लियर है बात? यह है मसला, डबल हो रहा है या सिंगल ही हो रहा है? यहाँ क्या किया है और वहां क्या करने लगे? यहाँ एनआरवी निकालने के लिए वर्किंग की थी, और वहां अब हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। बिजनेस का प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होता है? इनकम्स और एक्सपेंसेस, सेल लिखी हमने, पहले कॉस्ट ऑफ सेल आ गई है, और अब ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस हमें गिवन। सब क्लियर? ये और कोई कंफ्यूजन? ये ऑनली स्टूडेंट्स? हाँ, फिर लिखे हो फाइनल कर, बताएं प्रॉफिट क्या बनता है। सेलिंग एक्सपेंसेस आर 1,35,000, काम डेफिनेटली कंसंट्रेशन का ही, इसमें कोई शक नहीं है कि बगैर सोचे बात सही बन गई। ये आंसर बताइए। 4,86,000। ये अब हमें एक और वर्किंग करनी है तभी हम डिसीजन ले सकेंगे। ठीक है, बचता तो है 4,86,000, लेकिन क्या ये ज्यादा बचता है या कम बचता है इसका कैसे पता चलेगा? जल्दी से हो जाए, नेक्स्ट सिक्स के एंगल से वर्किंग करवा। जी सर, दोबारा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है। सीड्स टेबल देखें, टेबल सॉरी टेबल नहीं, डायग्राम करना चाहिए। बताएं कितने केजीज बिकेंगे अगर सीड बनाए तो? 54,900। ना 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 ना, कितने कितने? 32,706 केजीज बन जाएंगे। और एक केजी कितने का बिकेगा सीड्स का? 21,25, 65,88,000। सिक्स फाइव डबल एट ट्रिपल जीरो। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्या लिखो? कॉस्ट ऑफ सेल्स, स्टॉक्स है या नहीं फिलहाल, जब तक मैंने आपको लिखना नहीं छोड़ना। अब फिनिश गुड्स का नाम क्या है? सीड्स प्लस कॉस्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यहां मुझे शदीद खतरात है सॉरी की, लेकिन जरूरी नहीं है। बहरहाल आपके जहन में वो चीजें हैं क्योंकि आप सोच रहे हैं इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। तो आई एम सर्चिंग फॉर अ फिगर ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, लेकिन अगर वो तलाश आप कर दें तो मेरे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे सर पहले प्रिंसिपल ही बोल दें कि क्या क्या आना है, कोई वो फिगर बोल दें और बाद में जो नहीं है उसका नाम बोल दें। फिगर अगर बोल दें जो है वो बोल दें। अमाउंट अगर बोल दें जो अवेलेबल है। ये जो 3,240,000 है, ये जो 3,240,000 है, ये एज इट इज आएगा? अच्छा जी, एज इट इज आएगा सर। अगर सीड बनाने हैं तो पहले क्या बनाना पड़ना है, तो उसको बनाने में कितना खर्चा आ गया हुआ है, लेकिन इसमें बेटा आप किस डिपार्टमेंट के खर्चे भी ऐड होने हैं। तो 3,240,000 प्लस 3,240,000 एंड प्लस एक अमाउंट होनी है किस डिपार्टमेंट की, उसकी अभी अभी हमें शायद वर्किंग नहीं की है कि टोटल खर्चा कितना है। तो एक वर्किंग सॉर्ट बना लें।
चार पांच नीचे लाइनें रख के थोड़ा, कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट बी, या डिपार्टमेंट बी का सारा खर्चा पोलन्स को सीड्स में कन्वर्ट करने ही के लिए है। ये करो नहीं वर्क, ये डिपार्टमेंट बी मटेरियल वायर लेफ्ट, नहीं सॉरी फिगर्स बता दो, डिपार्टमेंट बी में मटेरियल वाई 12,000 इंटू करें आप लोग कर करके खत्म कर, मैं लिखता हूँ 12,000 इंटू 25 3600 आवर्स इंटू 65 सॉरी 3600 आवर्स इंटू 150 लेबर का करें माइंड अप, आपके सामने है फिगर्स। वो जो एलोकेशन के लिए मैं रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती है, इट इज ओनली रिक्वायर्ड व्हेन प्रोडक्ट्स आर नॉट सोल्ड एट सेपरेट अप पॉइंट। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से जरा रिक्वेस्ट है कि अगर डिपार्टमेंट बी के खर्चे का सम बता दो, प्लीज ये फिगर्स सॉल्व करें, सही सॉल्व करें, क्या होगी इनके फिगर्स सॉल्व करना भी इशू है सर। 12,000 इंटू 25 बनना था 300,000, 36,000, 3600 सॉरी 3600 इंटू लेबर का रेट पता है इंटू 150 तो ये कितना बना 540। वेरिएबल ओवरहेड्स 65 पर लेबर आर ये 234 एंड 3600 इंटू 50 180,000 तो 300,000 एंड एक्सेट्रा इज इक्वल टू 12,54,000। ठीक है सर, सबका ठीक है, अपनी कंपनी बड़ा फिगर्स फाइनल करें, ये कैलकुलेशन ही कहाँ कहाँ पहुँच गई, 2 लाख 22 लाख तक पहुँची, 1,54,000,000। ओके जी करें जी फाइनल 1,54,000,000। अगर आपने सीड्स बना के बेचना है तो क्या इट इस अंडरस्टूड के पहले पोलन्स को बनाएंगे, ये शायद उसी तरह हो रहा है, जरा एक सेकंड मेरा हाथ रुकिए, जरा एक रिवाइज करना, जरा क्वेश्चन नंबर 3 निकालना, जरा क्वेश्चन नंबर 3 में वो जो गेम एक चली थी कि सी से जी बनना, कुछ मिलती जुलती सी सिचुएशन बन रही है, तो व्हाट वाज सी, किसकी वर्किंग नंबर 2 निकाले, अब बात हो रही है जरा सही तरह फाइनल करने, वहां शायद हमें कुछ वर्किंग्स करनी पड़ी, फिगर्स और प्लस प्लस करनी पड़ी, यहाँ शायद जरा शॉर्ट वे में हो गया क्योंकि क्वेश्चन में डाटा था, इसकी वर्किंग नंबर 2 या 3 जो थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ जी, कहाँ से शुरू किया था हमने, सी से, तो सी कंज्यूम्ड फाइंड आउट हुआ, इसमें क्या ऐड हुआ, डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स का मतलब क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा जमा हुआ, हाँ वहां एक बाय प्रोडक्ट भी थी वो यहाँ नहीं है, तो सी का खर्चा एज इट इज उठाया पहले हमने और उसमें फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा प्लस करके हम जी तक पहुंच गए, और यहाँ मैंने क्या किया, व्हाट इज 3,24,000,000 बनाने तक का खर्चा रादर देन सी, यहाँ पोलन बनाने तक का खर्चा ये था, और पोलन से सीड्स बनाने का फर्दर खर्चा जो वहां लेबर ओवरहेड्स के नाम से लदा रख दिया था, यहाँ वो हमने कैलकुलेट कर लिया 1,54,000,000। ठीक है ओके, इट इज फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऑफ सी इज सीड्स, सॉरी
क्या बता रहा था, 44 लाख, 44,94,000। ये ऑनलाइन स्टूडेंट फाइनली ओके प्लीज। जी ग्रॉस प्रॉफिट तक आते। फिर एक और बहुत बड़ा चैलेंजिंग सवाल मुझे एक्सपेक्टेड है, ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 2,094,000। जीडीए, सेलिंग एक्सपेंसेस। मेरा तो ख्याल है सेलिंग एक्सपेंसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। जी सर, नहीं मेरा तो ख्याल है सेलिंग एक्सपेंसेस पहले लेस हो चुके हैं, डबल हो जाएंगे। ये तो बात आई होप के फाइनल है। तो मेरा दूसरा ख्याल, गौर से सुना, मेरा ख्याल है कि सेलिंग एक्सपेंसेस अब लेते हुए हमलन और सीड्स के सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस करके लिखेंगे। ओ सर जी क्या हो गया, अभी थोड़ी देर पहले आपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वैसे ही करवाई है, पोलन बनाने का खर्चा जमा फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा सीड्स में, तो मैंने भी यही अभी कहा कि सेलिंग का खर्चा पोलन का और सीड्स का खर्चा प्लस करना। क्या मेरे अलावा ये बात किसी के जहन में तो नहीं आई? क्या अगर हम सीड्स बेचेंगे तो पोलन नहीं बेचेंगे? अगर हम सीड्स बेचेंगे तो फिर पोलन तो नहीं बेचेंगे, लेकिन ये क्लियर कर लें कि अगर सीड्स बनाएंगे तो इवन देन पहले पोलन बनाएंगे। सीड्स को बनाने के लिए तो पोलन बनाने पड़ेंगे, लेकिन क्या ये तो नहीं कि सीड्स भी बेच देंगे और पोलन भी बेच देंगे, बल्कि पहले सर पोलन भी बेच देंगे और फिर सीड्स भी बेच देंगे। तो किस किस के खर्चे से उठाऊं या सिर्फ किसके उठाऊं? इस केस में अब सिर्फ किसका खर्चा रेलिवेंट रह जाएगा? ओके प्लीज, व्हाट इज द आंसर फाइनली, व्हाट इज द फिगर फाइनली, सॉरी 180। नहीं आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने चंद बातें बीच में कॉन्शियस की आप लोगों से पूछने की भी कोशिश की है और जानबूझ के गलत भी बताइए, इन बातों में क्लैरिटी है सबको। ये फाइनली नेट प्रॉफिट निकाल 1,914,444। ये ऑनलाइन स्टूडेंट का क्वेश्चन यहाँ पर एक कंक्लूजन बनती है सर, एग्जामिनर से आपसे एडवाइस ली है, आपकी क्या फाइनली सेंटेंस लिखेंगे? नहीं मतलब आवाज सुन लेना, अंग्रेजी में बताना है हमें, लिख के पहुंचानी आवाज, डिफरेंस लेना उसमें थोड़ा सा वर्किंग करना कि कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट वी कैन जनरेट, वी शुड प्रोड्यूस क्या एक सेंटेंस अंग्रेजी में बनाना, वी शुड सेल सीड्स इंस्टेड ऑफ पोलन एज वी कैन गेट डेफिनेटली ये वर्ड्स मेरे अंग्रेजी में मैच करने कोई जरूरी नहीं, नहीं मतलब आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब मैं तो सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, वी शुड सेल सीड्स इंस्टेड ऑफ पोलन एज वी कैन जनरेट एन एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ 14,28,000। इसकी एक वर्किंग लिखना बैठेंगे, 1,914,486। या कोई क्वेश्चंस अगर थे आपके जहन में या आप सॉल्व करते प्रॉब्लम आएंगे रिजॉल्व हो गए सारी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रहेगी जो अनएड्रेस्ड है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स
अस्सी नंबर फाइव अगर आप लोगों ने ट्राई किया था। यस लाल साहब, हम ऐसे ही रैशनल डिसीजन ले सकते हैं बेटा। आप जिन चक्रों में पढ़ गए हैं, अगर आप कंसंट्रेशन से सोचें, हमें पर केजी प्राइस दी है, तो पर केजी प्राइस की बेस पे ये वर्किंग है। आप अगर रैशनली काइंड सोचें तो इसमें बताएं प्रॉब्लम क्या है। आप लोग क्वेश्चन नंबर थ्री निकाल रहे जी असलान साहब, मैं अगर आप रैशनली प्रॉब्लम अगर आपके जहन में कोई आ रही है तो बता दें वो क्या है। तो वाई हम प्रोसेस करेंगे उससे भी, वो भी हमारे केजीज में कन्वर्ट हो रहा है और सीडी से केजी फाइनली 125 पे बिक रहे हैं। आप बताएं उसमें क्या रैशनली इरेशनली प्रॉब्लम आ रही है। ये खाली साहब इस तरह के बेटा क्वेश्चंस डेफिनेटली तभी होंगे अगर आप कंसंट्रेशन नहीं रखेंगे। माय डियर, लॉस नॉर्मल है तो देयरफॉर उसकी जो भी कॉस्ट है वो रिमेनिंग यूनिट्स में ही अब्सॉर्ब होनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मायूस को ना बेटा। क्वेश्चन नंबर थ्री का निकालें, वो कंसंट्रेशन नहीं माय डियर जो होनी चाहिए। एक मिनट जरा, क्वेश्चन नंबर थ्री पे हमने वापस आना जरा और रजिस्टर का जरा एक नया पेज निकाल लें, और टाइम बहुत ज्यादा भी है जितना मुझे चाहिए। आने दे आ रहा आगे पैकिंग कॉस्ट क्या होती है वो मैं खुद बताऊंगा जब भाई। जिस तरीके से आपने उसे सेलिंग एक्सपेंस बना दिया, इस तरह तो रॉ मटेरियल भी सेलिंग एक्सपेंस वो भी बेचने के लिए हो रहा। वो ठंडे दिल से सोच लेंगे वो क्या है। जिस तरीके से आपने उसे सेलिंग एक्सपेंस बनाया है वो फिर रॉ मटेरियल भी सेलिंग एक्सपेंस है, लेबर भी है, ओवरहेड्स भी है, फिर तो सब कुछ सेलिंग एक्सपेंस ही है। लेकिन वो क्या है वो भी सोच लेंगे। जी डी, इस बार आपने क्वेश्चन नंबर थ्री सामने रखना है और क्वेश्चन नंबर थ्री सामने रख के रजिस्टर का क्या पेज निकाल। हमने ये क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व किया था, इसको याद हमने सॉल्व किया था। तो इसमें इसकी डायग्राम रजिस्टर में से देख के नया पेज पे सी से वी में जब हम जा रहे थे, डायग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री इज इन फ्रंट ऑफ यू। सी से जब हम वी में जा रहे थे, सॉरी सी से जी तक जा रहे थे, तो 1,28,000 केजी की प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई थी, 1,28,000 केजी, और उसकी प्रोसेसिंग के रिजल्ट में 96,000 केजी जी के बने थे और 8,000 केजी वी के बने थे। दोबारा कैलकुलेट करना चाहते एक दफा कर लें, 24,000 केजी गायब है। सॉल्व करें, 128 माइनस 128,000 माइनस 96 माइनस 8,000, 24,000 केजी की हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। हमने इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से इसे क्या अज्यूम किया कि इसे इग्नोर कर दें, इसकी रिकवरी वैल्यू थी नहीं, कॉस्ट आनी नहीं, रिकवरी वैल्यू थी नहीं। देयरफॉर हमने जो खर्चा हुआ था फाइनली 96,000 केजी पे इसलिए एलोकेट कर दिया था क्योंकि 8,000 थी वो भी बाय प्रोडक्ट थी, उसकी रिकवरी वैल्यू लेस कर दी। इतना याद आ गया। लेकिन बड़ा इसी क्वेश्चन में मैं जब चंद सिनेरियोस बदलने लगा कि अगर हमें बताया गया होता कि कुछ लॉस एक्सपेक्टेड है और लॉस उससे ज्यादा हो गया होता तो देन हम फिर क्या करते। तो पहले मैं इसी क्वेश्चन को बेस बना के, मेरे नज़दीक एक अच्छा सवाल है, लेंथी सा भी है, काफ़ी सारी फिगर्स हैं, इसी क्वेश्चन को जरा बेस बना के एक सिनेरियो क्रिएट करने लगा। तो नया रजिस्टर का पेजिंग करने लगा, उसके बाद फिर हम चला और क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें नॉर्मल अब नॉर्मल लॉसेस बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट ये सारी मिक्स होते हैं। तो मैं कहना भी चाहता हूँ, एक लाइन लिखें इस क्वेश्चन के साथ, सॉरी रजिस्टर के एक नए पेज के साथ, सेम क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सेप्ट सपोज लॉस ऑफ 10%
was expected while converting C into Z. सारा क्वेश्चन वही, सारी फिगर्स वही, एक्सेप्ट ओनली क्या अज्यूम करने लगे हैं, किसकी कन्वर्जन में, किसकी किस की किस में कन्वर्जन में कितना लॉस एक्सपेक्टेड था। सी को जी में कन्वर्ट करने में सपोज 10% लॉस एक्सपेक्टेड था, क्या फर्क पड़ता है, अपना क्वेश्चन सामने रखें। इन चेंजिंग सर्कमस्टांसिस में ए और बी की स्टोरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्रोडक्ट्स के नाम बता दें। सी के 134,000 kg 6,000 kg मत बनाए, मैं बताता हूं कहां बनाओ ये, और 128,000 kg पे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी इस अजम्पशन से। ओके यहां तक, लेकिन फिर क्या है? फिर जब 128,000 kg की फर्दर प्रोसेसिंग हुई तो इस फर्दर प्रोसेसिंग के रिजल्ट में क्या 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 बन गया? Z के 96,000 kg में मेरी इस बहस से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या पड़ता है? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता होगा। 8,000 kg ऑफ बाय प्रोडक्ट पे कोई चेंज नहीं में कर रहा है अकॉर्डिंग टू डेटा, फर्क क्या पड़ रहा है कैलकुलेटर उठाकर? कितने परसेंट लॉस अब एक्सपेक्टेड था सपोज? 10%। किसका 10%? 128,000 इंटू 10%, बिल्कुल सिंपल सी फिगर आ जाएगी, क्या आ जाएगी? अगर ये लॉस एक्सपेक्टेड था 12,800 kg तो इसका नाम क्या बन गया? नॉर्मल। ओके लेकिन क्या फिर और भी अभी लॉस है? तो अगर हमें परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस दी हो तो फिर तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि लॉस इतना एक्सपेक्टेड था, और लॉस अगर उससे ज्यादा हो जाए तो फिर उसको क्या कहेंगे? अब नॉर्मल लॉस। तो चेक करें जरा क्या इस 10% से ज्यादा लॉस बनता, सॉल्व करें कैसे सॉल्व करेंगे, एक बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। अब तो अक्सर हमें नॉर्मल लॉस की परसेंटेजेस दी होंगी तो हम उसको यूज करके नॉर्मल लॉस क्या एक्सपेक्टेड फाइंड आउट कर लेंगे, और बैलेंसिंग फिगर इफ एनी इज एबनॉर्मल लॉस, थोड़ा सॉल्व करने का। क्या कैलकुलेटर अलाउड है सर? 11,200 को मैंने एबनॉर्मल लॉस का नाम क्यों दे दिया? हमें अब सब कुछ पता चल गया, 96,000 kg बने हैं, 8,000 वाई प्रोडक्ट के थे, नॉर्मल लॉस फिर इतना एक्सपेक्टेड था, फिर भी अगर फर्क है तो बैलेंसिंग फिगर विल बी अज्यूम्ड एज एबनॉर्मल लॉस। अब ये डायग्राम जल्दी से बनाए, सही डायग्राम बना, एटलीस्ट डायग्राम बना।
इधर बना लिया सर। बनाने के बाद बुक का पेज नंबर 21 निकाला। जिन बच्चों के पास अभी तक नहीं है, आपका जो बड़ा पीडीएफ शेयर हुआ है इस चैप्टर का, उसमें पेज नंबर 21 जो मैंने अभी आपके सामने बात रखी है, ये जो मैंने एक सिनेरियो आपके सामने बनाया, इसकी एक सारी वर्किंग आपको पेज नंबर 21 पे मिलेगी। इवन ये डायग्राम भी मैंने आपके सामने बनाई है, तो ये काइंडली जरा होमवर्क। लेकिन इसमें फिर जो चेंज आया, आपने कोशिश की है नॉर्मल लॉस की डिस्कशन की थी उसको अगर रिवाइज करके इसे ट्राई किया जाए, तो इसमें बड़े आराम से आपसे हो जाना है। लेकिन डेफिनेटली जहाँ इसमें चेंज होना है वो इंशाल्लाह फिर मैं मंडे को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो काइंडली एक सिनेरियो इस पेज पे कर रहा हूँ, पेज नंबर 21 पे बी सिनेरियो पर लिखा हुआ अप टू 10% ऑफ रिपोर्ट, मिल गया। और सॉरी ये जिनके पास नोट्स उनके पास पेज नंबर 13 है सर, ये पेज नंबर 13 बार एक असल में इसके पिछले पेज पे भी सिनेरियो है, लेकिन वो सिनेरियो फिर बाद में सही। फिलहाल कौन सा कह रहा हूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को खासतौर पर कह रहा हूँ, पेज नंबर नहीं बुक का पेज नंबर 21 है। और जिन बच्चों के पास अभी तक बुक नहीं है वो जरा कंडी जरा बी सिनेरियो ढूंढेंगे तो देख लीजिएगा 12 या 13 पे हो, तो इंशाल्लाह हमारी मुलाकात मंडे को होगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी। मंडे को है तो छुट्टी, लेकिन इंशाल्लाह मुलाकात होगी, कॉलेज में मुलाकात होगी। वैसे छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, बाकी सेशन ऑफ है, लेकिन इंशाल्लाह नॉर्मल मुलाकात होगी मंडे को। वैसे है